तो मैं शिव जी के मंदिर आ गई हूँ। अब मैं भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। अब हम भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा शुरू कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। हम भगवान को गाय का दूध मिश्रित जल, ताजा जल है, इससे हम अभिषेक करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 भगवान बम भोले की जय हो। जैसा कि मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ वो सुविधा नहीं है इस मंदिर में, तो जो कि नाली से जाता है ये भगवान का चढ़ा हुआ दूध, तो हम एक पात्र में इसको इकट्ठा करके रख लिए हैं और किसी भी वृक्ष के जड़ में इसको डाल देंगे। पाँव के नीचे भगवान का चढ़ा हुआ जल या दूध या अभिषेक का कोई भी चीज़ पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। और हम इन भगवान को नहलाएंगे तो हम इसको कपड़ा से पोंछ लेंगे, कहे कि हमारे ही पाँव के नीचे आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 बम भोले भगवान की जय हो। ओम माँ गौरी नमः, 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 ओम माँ गौरी नमः। माता स्नान करें। अब हम नंदीश्वर को भी दूध से ही स्नान कराएंगे। नंदीश्वर भगवान जैसा कि वृषभ का अवतार है, बैल का, लेकिन भगवान शिव इनको सिद्धि प्राप्त कराए थे, तो जो भी मन चाहते थे मनुष्य का और किसी भी जीव का ये रूप बदल सकते थे भगवान नंदीश्वर जी। तो हम नंदीश्वर को भी विधिवत पूजा करते हैं, जो कि भगवान के मंदिर के अंदर हैं, वैसे तो बाहर ही रहते हैं, और भगवान को हम स्नान करा रहे हैं। ओम श्री नंदीश्वर जी महाराज जी, स्नान स्वीकार करो। ओम श्री नंदीश्वराय नमः, ओम श्री नंदीश्वराय नमः, ओम श्री नंदीश्वराय नमः। हम देवता को दूध से स्नान करा दिए हैं। अब हम दीप जलाएंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी पूजा में बता चुके हैं कि भगवान शिव जी के किसी भी पूजन में मंदार का जो पौधा होता है उसमें फल निकलता है, उसमें रुई निकलती है, उसी रुई का हम इस्तेमाल आज के दिन किए हैं। और तीजा के दिन भी, या जो सोमवार का जो व्रत करते हैं, या जो प्रदोष का व्रत करते हैं, उन सबको चाहिए कि इसी रुई से बाती बना के भगवान शिव जी को अर्पण किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दीप अगर आप जलाते हैं तो 101 दीप का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। ये हम दीप भी प्रज्वलित कर दिए हैं। जैसा कि बताया जाता है कि भगवान शिव को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन आज के दिन भगवान शिव जी का कुमकुम से पूजा होता है, इसलिए कि भगवान शिव जी अवघड़दानी हैं, वो कुछ भी विभूति वगैरह लगाते हैं, लेकिन माता मैनावती ने पूजा की सारी विधि भगवान के साथ संपन्न की और भगवान खुशी खुशी वो सब चीज़ों को स्वीकार किए थे। आज के दिन भगवान को कुमकुम चढ़ता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। माता सिंदूर स्वीकार करो, कुमकुम स्वीकार करो। ओम देहि सौभाग्य माँ आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि शिव देहि दिशो जय। ओम श्री नंदीश्वर जी महाराज जी। यहाँ भी छोटे नंदीश्वर जी हैं, कहे कि जो अपने घर में कोई रखते हैं, स्थापना कर लेते हैं पर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ मंदिर में ले आकर रख देते हैं, तो ये भगवान का भी पूजा हो जाता है। जैसा कि भगवान भोलेनाथ जी का आज विवाह है, तो गठबंधन करना अति आवश्यक है। गठबंधन में एक सिक्का, हल्दी,
साबुत चावल, सुपारी और ये फूल, इसको हम गठबंधन करेंगे। पहले माता के ये चुंदरी में हम इसको बांध लेंगे। ऐसे ही पूजा किया जाता है, आप भी ऐसे ही करना। इसको हम बांध लेंगे ऐसे, और ये हम भगवान जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, जो भोलेनाथ जी को, उस वस्त्र से ऐसे इसको हम बांधेंगे। इसको गठबंधन बोलते हैं। गठबंधन कोई भी करता है। जो मैं सिर्फ आपको एक सिक्का दिखाई हूँ, लेकिन जब ये विवाह का जो पर्व वगैरह होता है तो इसमें सोने या चांदी का सिक्का डालते हैं, जो बांधता है वही लेता है, ये नियम है। तो ये चुंदरी है और ये वस्त्र है, जो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को हम पहनाएंगे। ये ऐसे, और ये भगवान भोलेनाथ जी को ऐसे हम उड़ा देंगे, ज़्यादा नहीं उड़ाएंगे। माता पार्वती को हम एक वस्त्र और उड़ाते हैं नीचे। इसको हम बांध देते हैं वस्त्र को। ये भी चुंदरी रहती है। तो भगवान शिव जी का आज के दिन विवाह हुआ था, महाशिवरात्रि पर्व में। ऐसे ये बेलपत्री है जो कि हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जैसा कि माँ पार्वती जी तपस्या के समय बेलपत्री को ही ग्रहण करती थी, खाती थी, और भगवान शिव को ये बात पता था, इसलिए भगवान शिव को बेलपत्री ज़्यादा प्रिय हुआ। तो हम बेलपत्री भगवान को चढ़ाते हैं, शिव जी को, और माता पार्वती को चढ़ाते हैं, नंदी जी को भी चढ़ाते हैं, और भगवान श्री गणेश जी को भी बेलपत्री चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। जय हो नंदीश्वर जी। भगवान नंदी जी को भी हम बेलपत्री चढ़ाते हैं। जय हो नंदी जी महाराज जी। जैसा कि ये सफ़ेद आँख का फूल है, उसका हम माला बनाए हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। जय हो नंदीश्वर भगवान जी। नंदीश्वर को भी हम माला पहना दिए। ये अपराजिता का पुष्प है, जो कि भगवान श्री को बहुत ही प्रिय है, तो इस पुष्प को भी हम चढ़ाते हैं भगवान शिव जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और माता पार्वती जी को हम लाल फूल चढ़ाते हैं, नंदी जी को भी चढ़ा देते हैं, और माँ गौरी मैया जी को हम लाल पुष्प चढ़ाते हैं। ये धतूरा का पुष्प है, इसका पुष्प और फल दोनों ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो नंदी जी भगवान जी की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, महादेवी की जय हो। ये सफ़ेद सदा सुहागन का पुष्प है, इसको हम भगवान शिव को जरूर चढ़ाते हैं आज के दिन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय हो नंदी जी भगवान। ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो। और ये कनेर है, कनेर का भी पुष्प चढ़ाते हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर। नंदी बाबा जी पुष्प स्वीकार करें। ये आम का फूल है, जिसको हम मोर भी बोलते हैं।
तो ये मान्यता है, जैसा मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे हम शमी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये मान्यता है कि करोड़ों करोड़ों पुष्प जितने भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, अगर शमी का पुष्प एक अर्पण कर दें तो करोड़ों तमाम और पुष्पों का जो चढ़ाने का फल होता है वो प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये आम का फूल भी चढ़ाने से वैसा ही फल मिलता है जैसे कि शमी के पुष्प चढ़ाने से मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री भोलेनाथ जी पुष्प स्वीकार करें, आम्र पुष्प स्वीकार करें, देवता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमः। जय हो नंदीश्वर जी, भगवान जी की देवता पुष्प स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैं कहानी में बताई हूँ कि भगवान श्री भोलेनाथ जी का जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं त्रयोदशी का, प्रदोष का, तो वो व्रत जो साल भर में करती हैं, अगर भगवान शिव जी का व्रत ये महाशिवरात्रि का आज के दिन निराजली रहती हैं, तो वो पूरे साल के व्रत का जो फल होता है वो मिलता है। तो आज के दिन अगर हो सके तो महाशिवरात्रि का व्रत निराजली करके और रात्रि जागरण, जैसे विवाह में जागा जाता है, रात्रि जागरण किया जाए तो बहुत ही फल मिलता है। तो ये जनेऊ है भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान जी को हम जनेऊ अर्पण कर दिए हैं, जो कि बाएं से दाएं तरफ चढ़ाया जाता है जनेऊ। अब भगवान शिव जी को, माता पार्वती जी को एक साथ हम कलावा से बंधन करेंगे, बांधेंगे एक साथ माँ पार्वती और भगवान शिव जी को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमः। ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमः। ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमः। माता पार्वती मैया जी की जय हो। ये हम भगवान शिव को, माता पार्वती जी को गठबंधन तो किए हैं, हमें रक्षा सूत्र से भी एक साथ में आज के दिन बांधते हैं। माता पार्वती जी को नंदनी भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इनके माता पिता नाम रखे थे नंदनी, गौरी, गौरा, काफी सुंदर थी माता, गौरी बहुत ही, तो गौरी बोलते थे। जनेऊ भी अर्पण कर दिए भगवान जी को। भगवान शिव जी को, माता पार्वती जी को हम भोग लगाएंगे। तो ये जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये भोग में क्या क्या सामान, उसे तो भगवान शिव जी तपस्या हमेशा करते रहते हैं और बहुत कम ही खाते पीते हैं, लेकिन विवाह के दिन उनको जितने भी 56 भोग होते हैं वो सब मायनावती जी के आग्रह से भगवान सब ग्रहण किए थे। तो आज के दिन जितना भी हो सके भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, जिसमें भांग से मिश्रित कुछ मिष्ठान भी होते हैं, तो और चूरमा जरूर बनाना चाहिए और गुजिया भी बनाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये चूरमा प्रसाद है, और जो माताएं पूजा करती हैं भगवान शिव जी का, वो जानती होंगी कि भगवान शिव जी को चूरमा जरूर चढ़ता है, चूरमा बनाने की विधि भी जानती होंगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ चूरमा कैसे बनता है। तो जैसे हम मट्ठा बनाते हैं, मट्ठी या जैसे चढ़ाने में किसी भी देवी देवता को, तो गेहूं के आटे में हम घी डाल के, मोयम डाल के उसको जैसे कि मठरी वगैरह के लिए बनाते हैं आटा, वैसे बना लेते हैं। फिर बड़ा बड़ा सा रोटी बनाते हैं उसका, उसको तल लेते हैं और एकदम उसको कड़ा तल के उसको ठंडा करके उसका फिर चूरमा बना लेते हैं, यानी उसको पीस लेते हैं, फिर उसमें मिश्री खांड कुछ भी मिला लेते हैं और मेवा डाल देते हैं, उसको चूरमा बोलते हैं। तो आप जैसे रोटा बनाओगे तो आप काफी, जैसे आपको परेशानी लगे तो मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि जैसे आप मठरी के लिए काटते हैं, उस रोटा को आप काट के आप पकाएंगे तो आपको जल्दी से बन जाएगा, और उसको ठंडा करके आप उसको मिक्सी में पीस के थोड़ा सा शक्कर वगैरह कुछ भी डाल के, खांड और पंचमेवा डाल के चूरमा प्रसाद भगवान को जरूर चढ़ाना। ये शक्कर पारा है, भगवान के लिए बनाए हैं, विवाह के दिन जरूर चढ़ाया जाता है। और ये खजूर है, ये बेर है, बेर भी भगवान को चढ़ता है, और ये धतूरा का फल है, इसको जरूर चढ़ाएं, बाकी जो ऋतु फल है उसको चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भोग स्वीकार करो, भगवान भोलेनाथ जी भोग स्वीकार करो। ये भगवान श्री भोलेनाथ जी के लिए हम भोग रख रहे हैं। ये गुजिया है, हम गुजिया भी भगवान श्री भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी भोग स्वीकार करो। ये गन्ना है, जैसा कि हम गन्ना के जो रस होता है उससे भी अभिषेक करते हैं, लेकिन अगर रस नहीं मिल पाता तो हम गन्ना भी चढ़ा सकते हैं। गन्ना है और श्रीफल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी जय हो देवता। ऐसे हम भगवान जी को चढ़ा देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये फलियां हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये चना फली है और ये गेहूं की बाली है, जौ की बाली भी चढ़ाते हैं। इसको हम ऋतु फल भी बोलते हैं, जैसा हम सरस्वती मैया को भी चढ़ाए हैं, भगवान शिव को भी चढ़ता है महाशिवरात्रि में। ओम नमः शिवाय, 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 भगवान श्री भोलेनाथ जी भोग स्वीकार करें। जैसा कि मैं आपको अभी बताई हूँ कि शमी का पुष्प चढ़ाने से बहुत ही पुण्य मिलता है। अगर पुष्प न मिल सके तो ये मैं पत्ती लाई हूँ, जैसे बेल पत्ती चढ़ाते हैं वैसे ये शमी की पत्ती भी भगवान को अति प्रिय है, तो हम शमी की पत्ती को भगवान को चढ़ा दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, जय हो नंदी जी भगवान जी। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो। माता पार्वती मैया जी भोग स्वीकार करो, महादेवी की जय हो। ये मैं माता पार्वती जी के लिए वही भोग है जो भगवान शिव जी के लिए है, ये माता पार्वती जी के लिए भोग चढ़ा रही हूँ। ये बेल का फल है, बेल का फल भी जरूर चढ़ाया जाता है, अभी अध पका है, पूरा नहीं पका हुआ है, फिर भी हम भगवान जी को आज के दिन बेल का फल भी चढ़ाते हैं। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, महादेवी भोग स्वीकार करो, माता गौरी मैया जी की जय हो। ये हम नंदी जी को भोग चढ़ा रहे हैं। नंदी जी का भी हम वैसे ही पूजा करते हैं जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी का करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी का नंदी जी बहुत ख्याल रखते हैं। भगवान जी का भी दर्जा, भगवान नंदी जी का भी बहुत ही महत्व है आज के दिन का पूजा का, और हमेशा भगवान शिव के साथ नंदी जी का पूजा होता है। ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, देवता भोग स्वीकार करो। ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, नंदी जी महाराज जी देवता भोग स्वीकार करो। ये जैसे कि मैं नंदी जी को विशेष कर ये दुर्बा घास लाई हूँ, काफ़ी नरम है, तो आज के दिन या हर पूजा में भगवान जी को, नंदी जी को अलग से दुर्बा घास जरूर चढ़ाना चाहिए, तो मैं सिर्फ नंदी जी के लिए दुर्बा घास लाई हूँ। ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, नंदी जी ये दुर्बा घास खा के पुष्ट रहते हैं, तभी माँ पार्वती भगवान शिव को सवारी कराते हैं, कैलाश में भ्रमण कराते हैं। भगवान नंदी जी महाराज दुर्बा घास स्वीकार करके आशीर्वाद दो प्रभु। ये माता पार्वती के लिए गुजिया। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, महादेवी महादेव भोग स्वीकार करो। ये नंदी जी भगवान के लिए गुजिया। ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, नंदी जी भगवान जी देवता भोग स्वीकार करो। भगवान शिव जी को और माता पार्वती जी को हम अक्षत भी दे रहे हैं, जो कि आज के दिन जैसा कि मान्यता है भगवान शिव जी जो भी चीज़, जैसे कि हल्दी नहीं स्वीकार करते, लेकिन आज के दिन भगवान हल्दी भी स्वीकार करते हैं, कुमकुम भी स्वीकार करते हैं। हर चीज़ जो भी आपको भगवान को चढ़ाना हो आज के दिन छूट है, हर चीज़ चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, जय हो नंदी जी भगवान जी की जय हो। ये भांग है, तो भगवान श्री भोलेनाथ जी को भांग, गांजा,
इनकी पत्तियां जो भी हरी मिले तो हरी या सूखा भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देवता भांग स्वीकार करो। नंदी को भांग नहीं खिलाते, नंदी भांग खा के यहाँ वहाँ घूमने लगेंगे, इसलिए नंदी जी को भांग नहीं खिलाते। अब भगवान भोलेनाथ जी को, माता पार्वती जी को मुख शुद्धि के लिए तांबूल पत्र और सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी। पान, सुपारी, लौंग, इलायची स्वीकार करो, देवता की जय हो। हम हमेशा देवता को दो दो पान, दो सुपारी, दो इलायची, दो लौंग सब अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री भोलेनाथ जी। तांबूल पत्र स्वीकार करो, देवता की जय हो। ओम मां गौरी नमो, मां गौरी नमो, मां गौरी नमो, महादेवी। तांबूल पत्र स्वीकार करो, माता की जय हो। नंदी जी महाराज को भी भगवान शिव जी को अपने पीठ पर बैठा के विवाह मंडप तक लाए थे भगवान नंदी जी, इसलिए इनका काफी स्वागत होगा आज। ओम श्री नंदीश्वर नमः, ओम श्री नंदीश्वर नमः, ओम श्री नंदीश्वर नमः। नंदी जी वो सब चीज खा लेते हैं, ऋषभ हैं और ये नाना प्रकार के रूप भी भगवान के विद्या से, ये सब नाना प्रकार के रूप, मनुष्य के रूप में, हर रूप में भगवान नंदी जी प्रकट हो सकते हैं। जैसा कि ये बेल फल, ये धतूरा फल, ये सब भगवान को चढ़ता है आज, और जो भी सामग्री है वो सब मैं चढ़ाई हूँ। ये श्रृंगार की सामग्री है, जैसे कि गौरी मैया का आज विवाह है, तो पूरा श्रृंगार की सामग्री जितना भी आपसे बन सके वो सब आप माता को चढ़ाइए, माता को खुश करने के लिए। भगवान भोलेनाथ जी को भी हम अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देवता। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो। माता सुहाग का सब सामग्री स्वीकार करो, महादेवी की जय हो। ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो। नंदी बाबा जी आशीर्वाद दो प्रभु जी, सब जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष आपके पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत उपवास करते हैं, उनको पूर्ण उनके हक का फल मिलना चाहिए। उनके पूजा पाठ धर्म कर्म का फल दें, उनके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें भगवान भोलेनाथ जी। माता पार्वती मैया जी की जय हो। तो ये आरती का हम सजा लिए हैं, पांच बाती का, तो भगवान जी का हम आरती करेंगे। नीचे चावल रख के हम जलाते हैं आरती को। तो आप भगवान शिव जी के स्त्रोत वगैरह, चालीसा वगैरह ये सब पढ़ के भी आरती कर सकते हैं। हम थोड़ा सा छोटी सी आरती गा के भगवान जी का आरती करते हैं। आरती भगवान शिव जी की। शीश गंग अर्धंग पार्वती विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नित्य करत हैं नरत ध्यान सुर सुख राशी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अतिराशी। अक्षर अक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत हैं गुंजासी। कल्प द्रुम और पारिजात तरु लाग रहे हैं लच्छासी, नित्य छौ ऋतु रहस सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी। ब्रह्मा विष्णु निहारे निस दिन कुछ शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी, त्रिशूल जी को ध्यान निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी। दूर हो ये विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी शुद्धली। जो सेवक जान सदा चरणन को अपनी जान दरस दी जो, तुम तो प्रभु जी सदा दयामय अय गुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इति श्री शिव आरती संपूर्ण। बोलो भगवान शिव जी की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो, भगवान श्री गणेश जी की जय हो, नंदी जी महाराज जी की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो। ओम नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो।
बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती मैया जी की जय। तो भगवान भोलेनाथ जी की, माँ पार्वती जी की आरती हमने किया। अब हम थोड़ा सा कपूर की भी आरती भगवान जी का करेंगे। चावल के ढेर पर हम कपूर रख के जलाते हैं और भगवान जी की आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम गौरी शंकर नमो, 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 ओम गौरी शंकर नमो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती मैया जी की जय हो। आरती सहित हम प्रदक्षिणा भी करते हैं सर्व देवी देवताओं का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम शांति शांति शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमः। ये हम भगवान जी की आरती कर लिए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान जी को हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमः। हम भगवान भोलेनाथ जी का, माँ पार्वती मैया जी का विधिवत आरती पूजन जो हम कर पा रहे थे उसको करे हैं। अब हम अक्षत और पुष्प लेकर ऐसे पूजा के अंत में आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान श्री भोलेनाथ जी से, माता पार्वती जी से विनती करिए। जो भी आपकी कामना हो भगवान के सन्मुख प्रकट करिए उस कामना को मन में या कह के। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आपकी सर्व कामना को पूरी करेंगे। तो अक्षत और फूल लेके आप स्तुति करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम गौरी शंकर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमो, ओम श्री नंदीश्वर नमः। देवता सादर प्रणाम स्वीकार करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो, हमारा कल्याण करो। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी सदैव हमारे हमारे परिवार को प्रसिद्धा दया दृष्टि बना रखो, कृपा दृष्टि बना रखो। आपके पूजा पाठ में जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो देवता, उसका अपराध क्षमा करें, हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। आपके जितने भी भक्त हैं, आपके जो भी आपके भक्त हैं जो सब प्रिय हैं भगवान जी, भूल हो जाती है तो क्षमा करें भगवान जी। पूजा पाठ को सप्रेम स्वीकार करके दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती मैया जी आशीर्वाद दें कि घर परिवार सदा सुखी रहे। माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, जय हो गौरी शंकर जी की जय हो। हम भगवान शिव जी या माँ पार्वती जी का पूजा करके हम आपको बता दिए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ हर महाशिवरात्रि में और तीजा में पूजा करने आते हैं, तो जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है भगवान और माँ पार्वती जी का विवाह का पर्व है, तो गठबंधन इसमें अति अनिवार्य है। जहाँ भी आप जाते हैं अगर मूर्ति नहीं है तो शिवलिंग में ही आप एक चुंदरी और एक रुमाल दो ले लें और गठबंधन करके भगवान शिव को ओढ़ा दें। या आप जो घर में पूजा करते हैं तो उस पूजा में भी एक तरफ माँ पार्वती और शिव जी का ऐसा फोटो लें आप कि माता पार्वती भगवान शिव जी को माल्य अर्पण कर रही हैं, यानी कि माला पहना रही हैं, वैसा आप फोटो लीजिए। और माँ पार्वती जी के तरफ चुंदरी और भगवान शिव के तरफ एक पीला गमछा बांध के, मतलब ओढ़ा दें, और बीच में गठबंधन कर दें। गठबंधन का काफ़ी महत्व है विवाह के समय में, और जैसे कि कोई भी गठबंधन कर सकते हैं और जो भी उसमें बंधा रहता है, काफ़ी उसमें दक्षिणा वगैरह बांधते हैं तो उसको ननद या कोई भी ले लेते हैं उनको, जैसा भी है। तो आप ऐसी ही पूजा करिए भगवान शिव और माँ पार्वती जी का। और जो भी विधिवत आपको मैं सामग्री दिखाई हूँ उनको जरूर चढ़े, जैसे कि बेल फल है, नाग बेल है, गन्ना को बोलते हैं,
और आम का फूल जरूर चढ़ाए हैं, शमी पत्र जो भी आपसे, अगर आपको ये सब सामग्रियाँ नहीं भी मिल पाती तो आप बिल्कुल ये मत सोचे कि हम ये सब सामग्री नहीं चढ़ा पाते, भगवान हमारे पर खुश नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से कोई भी आप एक भी सामग्री चढ़ा देंगे भगवान को तो आपके ऊपर भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आप बस श्रद्धा रखिए, भगवान के प्रति स्नेह रखिए, आदर रखिए, विश्वास रखिए, बस भगवान वही चाहते हैं। तो पूजा के अंत में मैं ये पुष्प है जो कि बहुत ही दुर्लभ पुष्प माना जाता है, ये सफ़ेद, ये नीले कलर का पुष्प मिल जाता है पर सफ़ेद आंकड़े का फूल बहुत ही कम मिलता है, भगवान शिव को भगवान के पूजा के समापन में इसको अर्पण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।